हमें मैप इस रास्ते से लेकर आया है। अब देखिए यहाँ पर कितना सकड़ा माहौल है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जेरी चौधरी। आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो डेली टू मनाली का है। अभी हम मनाली निकल रहे हैं और हमारी जो गाड़ी पार्क की थी गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, यहाँ पर थोड़ा सेफली पार्क हो जाती है। और अभी वक्त हो गया है 5:50, 10 मिनट बाद 6 बज जाएंगे और हम हाईवे पे होंगे। सबसे पहले रिंग रोड, उसके बाद हम सोनीपत पानीपत वाला रूट ले रहे हैं। आज हम एकदम ठंडी जगह पर पहुंच जाएंगे और आप सबको भी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है। ये दिल्ली का रिंग रोड है जो दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग बनाता है। ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो हमारा शक्तिनिकेतन है, जहाँ पर हमने खूबसूरत लम्हे जिए हैं, जिंदगी के कुछ अनमोल पल बिताए हैं। और ये हमारा बस स्टॉप है शक्तिनिकेतन का, मिसिंग अ लॉट। और जो ये सामने देख रहे हो, ये आ गया है दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन। और ये जो सीधा रोड जाएगा, ये जाएगा सोनीपत पानीपत, तो उसी तरफ जा रहे हैं। फाइनली फिर से हमारा जो फेवरेट हाईवे है NH-44, जिस पर हमने साइकिलिंग टूर किया था कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसी हाईवे से जा रहे हैं और एक अच्छी जगह जा रहे हैं, मूर्थल, जहाँ के पराठे हमें बहुत पसंद हैं। दो वीडियो भी बना रखे हैं मैंने यूट्यूब पर। और फिर से काफ़ी दिनों बाद पराठे खाने को मिलेंगे अमरीक सुखदेव के। इस बार हम अनुज जी को भी खिलाएंगे पराठे, इन्होंने वीडियोज में देखे हैं, अभी आपको रियल में खिलाएंगे। तो देखना क्या लगता है। और अपना जो देसी घी होता है, लोणी घी जिसे कहते हैं, वो भी खाने को मिलेगा, तो और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है उनका। बाकी आज हमारा जो प्लान है वो है मनाली जाने का। तो अभी जो टाइमिंग दिखा रहा है वो शाम को 6 बजे तक मनाली पहुंचने का है, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। लेकिन पहला ब्रेक हम ले रहे हैं लगभग 90 किलोमीटर बाद मूर्थल में। तो अमरीक सुखदेव पहुंच गए हैं, और जो हमेशा जब भी आता हूं तो मैं पनीर पराठा ऑर्डर करता हूं, तो अभी पनीर पराठा प्लस ये जो घी देख रहे हो, लोणी घी और दही, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वही ले रहा हूं। और यहां पर निशा आलू पराठा, और अनुज जी हैं वो ले रहे हैं पनीर पराठा। कैसा लग रहा है? ये है अमरीक सुखदेव NH-44 हाईवे पर, मूर्थल के पास में है। इसके जस्ट उधर गरम धरम है, जो पहले हम लोग उधर के पराठे खाते थे। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं सीधा मनाली के लिए। अब शायद कोई ब्रेक लिया जाएगा तो काफ़ी टाइम बाद, लेकिन यहाँ रुकना काफ़ी ज़रूरी था। पराठे खा लिए, पेट भर गया, दो पराठे और दही वगैरह खाकर एवरीथिंग इज़ फुल। अभी हम लोग ऑलमोस्ट अम्बाला कैंट के पास पहुंच गए हैं, और जो पेट्रोल है वो फुल करवा लिया है। राजस्थान में और हरियाणा में पेट्रोल का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे राजस्थान में 117-118 रुपए का पर लीटर है, और यहाँ पर अराउंड 106 रुपए पर लीटर है, और कल 105 था जब हमने नारनौल के पास डलवाया था। सो अभी टंकी फुल हो गई है, अभी मनाली तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ईजिली हम लोग रोहतांग पास वगैरह जो भी एरिया वो अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अभी बस निकलते हैं। वॉशरूम भी यूज़ करना था, लेकिन यहाँ का अच्छा वॉशरूम नहीं है, तो आगे वाले पेट्रोल पंप पे रोकेंगे, वाटर वगैरह फिल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने जो पंजाब उसको पार करके हिमाचल में एंटर हो गए हैं, और निशा पहली बार हिमाचल प्रदेश आ रही है, क्या बोलती है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। और यहाँ पर अनुज जी हैं, वो पहली बार पहाड़ों में कार ड्राइव कर रहे हैं, तो डोंट नो कि मतलब क्या होने वाला है। वैसे अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छी ड्राइव करते हैं। तो ये देखिए नज़ारे, हम हिमाचल प्रदेश में एंटर हो गए हैं। काफ़ी खूबसूरत और बड़े बड़े पहाड़ नज़र आने लग गए हैं। और मनाली यहाँ से लगभग 219 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इस वक्त हम जो मंडी शहर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसको पास कर रहे हैं, शायद मंडी डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर IIT मंडी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एकदम अंधेरा हो गया है, अभी वक्त हुआ है शाम के 4:37, और ऐसा लग रहा है जैसे कि रात के या शाम के 7-8 बज रखे हैं। बहुत ज़्यादा आगे आगे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं पूरा फोग है, मतलब पहाड़, उन पर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, बिजलियाँ भी कड़क रही हैं। अभी सब कुछ और ज़्यादा खतरनाक हो गया है, यहाँ पर ओले वगैरह गिरने लग गए हैं, तो इससे पता चलता है कि रोहतांग पास में अभी स्नोफॉल हो रही होगी। क्योंकि जब नीचे की जगह पर बारिश होती है, तो ऊपर जो हिली एरिया होता है रोहतांग पास जैसी जगह पर, वहाँ पर 100% बर्फ गिर रही होती है। तो देखते हैं क्या होता है, बट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ ओलावृष्टि हो रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से।
अभी बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हुई है और अभी हम IIT मंडी को क्रॉस किया है उसका जो कैंपस है उसको, और काफी ज्यादा तेज बारिश के बाद यहाँ पर जो वाटरफॉल्स है जो ऊपर से जो पानी गिरता है वो स्टार्ट हो गया है, तो रिस्की हो गया थोड़ा सा, बट हाँ मजा भी आ रहा है काफी। हमें मैप इस रास्ते से लेकर आया है। अब देखिए यहाँ पर कितना सकड़ा माहौल है। गड्ढा है, गड्ढा है यहाँ पे। इस तरीके से सामने से गाड़ी आ जाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, जैसे कि लेफ्ट साइड में बिल्कुल हम लोग ऐसे लग रहा था कि इसी एरिया से टच ही हो जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा गड्ढा भी था। शाम के 5:27 हो गए हैं और पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है बारिश के बाद। यहाँ से राइट लेना है। शाम के 6:05 रह गई हैं और अभी भी हम लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया कि हम कुल्लू रुक जाएंगे क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है और कुल्लू भी यहां से लगभग 30 किलोमीटर रह गया है। सो इन हिली एरिया में 30 किलोमीटर साइकिलिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और यहाँ पर बस वालों को देखो कैसे घुमाते हैं बस। सो अभी जाकर थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश रुकी है, ड्रिजलिंग तो अभी भी हो रही है, और हम लोग एक ये छोटा सा कैफ़े टाइप से बना हुआ है यहाँ पर चाय पीने के लिए एक ब्रेक लिया है, और बस थोड़ा वॉशरूम वगैरह करने के लिए। बाकी ये देखिए आप एक बार नज़ारे, क्या खूबसूरत जंगल है चारों तरफ, बहुत ही मस्त नज़ारे लग रहे हैं। वहाँ पर निशा और अनुज जी हैं और एक खूबसूरत से चीड़ और ताड़ के पेड़। थैंक यू सो मच। हिमाचल में कुछ इस तरीके के कैफ़े बने होते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं जब आप एक हिल स्टेशन से गुजर रहे होते हो और उस जगह पर आपको बहुत तेज़ बारिश मिल जाए और उसके बाद आपको पीने के लिए चाय मिल जाए, तो उससे बेटर और क्या होगा। तो अभी चाय पीते हैं फिर आगे निकलेंगे। तो ये देखिए कुल्लू का नज़ारा, अभी शाम के 7:40 हुई है और देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर लोग रह रहे हैं, उनके घरों की जो लाइट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, ऐसे जुगनू नहीं चमकते उस तरीके का लग रहा है कुछ। और यहाँ साइड में देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य है। हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे वो एक लाइट जल रही वहाँ पर ऊपर की तरफ, वो लाइट वहाँ पर, वहाँ कौन रहता होगा इतना अंधेरे में, इस तरफ देखिए वहाँ पर एक वो लाइट जल रही, वहाँ कौन रहता होगा अंधेरे में, ऐसे डिस्कस करते करते आ रहे हैं हम लोग। और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो देख रहे हो ये है ब्यास नदी, व्यास नदी यहीं पर बह रही है, इसी के सारे सारे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जो मनाली है वो सीधा अच्छा खासा हाईवे आ गया है, नीचे भी डबल लाइन है ऊपर भी डबल लाइन है, 4-लाइन हाईवे कह सकते हैं इसको, कह क्या सकते हैं, है ये NH3 हाईवे है। और अभी यहाँ से लेफ्ट लेंगे और हमारा जो होटल वगैरह है वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे, तो चलो होटल में पहुँच कर मिलते हैं, बात करते हैं। हे गाइस, कल रात को हम लोग कुल्लू पहुंच गए थे और अभी होटल में ही हैं, और आज जो नेक्स्ट डे है वो स्टार्ट हो गया, मीन्स कुल्लू से हम लोग मनाली जाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि आपको कैसा लगा। बाय, मिलते हैं, आई मीन नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।